और कहते हैं ना कि शेर से ज्यादा घायल शेर खतरनाक होता है, तो भारतीय जनता पार्टी अब घायल शेर है। तो जो काम उसने हिंदुओं के पक्ष में 10 साल में नहीं किया, वो अब ये 5 साल में करेगी। तो गेम बजाना पड़ेगा। अब के तुम्हारी लंगड़ी लूली सरकार को चलने नहीं दिया जाएगा अगर तुमने कोई भी गलत काम किया। बात तो सही है। रोजगार सिर्फ उस तमंगो जी से वोट के रखी जा जाके छत्ती जोड़ी करके कह रहे थे मेरी कांग्रेस 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 से ज्यादा वोट भी ना जिसे दे रखी उसने रोजगार मांगो कांग्रेस से जोड़ से खटाखट 800 रुपए गे रहा था ना तो रोजगार भी वही जगह फटाफट मांगो जाके। क्या बात करते हैं यार, मेरा विकास से कोई मतलब नहीं है, ना बहन बेटियों की इज्जत से, ना युवाओं के रोजगार से। आइए देखते हैं मजा आएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोदी जी की प्रिय पुत्री और अंधभक्तों की दीदी बदबू पांडे की आज हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, आज के मुख्य नीतीश कुमार जी से क्या कहेंगे? जब दिल न लगे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ जाना, जब मन न लगे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ जाना। कि हमारे उनके खुद के संसद जो बने हुए थे, जो प्रत्याशी थे, जो उम्मीदवार थे, खुद बोलते थे कि 400 पार मुकरवा दो संविधान चेंज कर देंगे, लोग उनको चेंज कर दिया। ये राम को ला सकते हैं तो राम इन्हें क्यों नहीं लाए? राम नाराज चल रहा है क्या? राम नाराज चल रहा है। मैं तो लगातार बोल रहा हूँ आज नरेंद्र मोदी जाए राम मंदिर, अब तो मालूम है राम का नारा ही बंद कर दी मोदी जी। अब बोले जय जगन्नाथ, दक्षिण सीट आई है ना, तब बोले जय जगन्नाथ। बीजेपी के नेता इतने बेशर्म और दलाल हैं कि ये भगवान ही बदलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुम साधु संतों को नहीं बुलाओगे, अयोध्या जीत जाओगे, वाह 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 वाह। बस बोल दो हम राम को लाए हैं, अपने बाप को पता कर लो। अगली में फिर लग रहे वोट मांग दे झोली ठाट आ गए, वोट दे दो मिल गए तो खुश हुए घूम रहे हम, जीत गए कांग्रेस आ गई कांग्रेस। जली ना तेरी भी जली ना। अयोध्या उनकी भाप की है क्या? पूर्वजों की अयोध्या है, भगवान राम की है, इसीलिए तो हारे वहाँ से। हम लोगों की आदत पड़ गई है, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये 5 साल सरकार चल जाएगी, डगमगाती हुई सरकार, 2 कुर्सी की सरकार? भाई जी 10 साल पूरे कर सके तो 5 साल क्यों नहीं कर सकता? और जोर से कह रहे हैं डगमगाती डगमगाती डगमगाता हो गया राहुल गांधी पप्पू, हमारी सरकार कैसे डगमगा जाएगी जो 10 साल से नहीं डगमगाई है, 5 साल में क्या ही डगमगाएगी, ये तो बहुत गर्व की बात है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं आपको गारंटी से दावे के साथ कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी की बैसाखी उनके कंधों से हटेगी हटेगी हटेगी। वो दोनों बैसाखी कब उनका कंधा छोड़ के धोखा दे दे कोई भरोसा नहीं। अपने आप प्रधानमंत्री जी के पसीने छूट रहे हैं कि हमारा होगा क्या। वाह दीदी वाह दीदी। इसको आप पप्पू कह रहे हैं ना, विपक्ष के बड़े नेता बन गए हैं। हाँ, हमारे वहाँ कुत्ते भी ना सूंघते, बागपत जिले में जैसा कुत्ता भी नहीं जानता। हमारे वहाँ जो पिल्ले ना छोटे छोटे से, उनका नाम राहुल गांधी, जरा काम ना खुद मन ने धरा कर। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। हमारी ऐसी स्थिति देश की जनता कर दी कि तुम्हारा घमंड तुम्हारा अहंकार चूर चूर कर दिए, तुम्हें बैसाखी पे खड़ा कर दिया गया। अब तो कम से कम समझ जाओ, सुधर जाओ। आग लगा दी। भाई जी कह रहे कि नीतीश चले जाए, चंद्रबाबू नायडू चले जाए, जिंदगी में कोई ऐसा भगवान नहीं बचा जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनवा दे। अरे खतरनाक लोग हैं जिन्होंने विकास करा लिया, सब कुछ करा लिया, राम मंदिर बाबर मस्जिद हुआ, राम मंदिर बना दिया, और क्या चाहिए था उनके लिए? इतना मान सम्मान इज्जत हो रहा था जिस अयोध्या को कोई जाने नहीं था, आज उन्हें विदेश तक भी जान रहे थे। ये फंस गया सी है। चुम्मे देखती हो ना जाके, वहाँ नाटक नौटंकी करते हो संसद में पार्लियामेंट में, तभी देश की जनता ने थूक दिया तुम्हारे मुंह पे। ये नहीं कि महिलाओं का शोषण दिखाओगे, चुम्मा 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 है, कौन लेगा तुम्हारा चुम्मा? आप किसी चुम्मे लायक नहीं रही। योगी था योगी है और योगी रहेगा, और जोन सनु कह रहा ना हम योगी को मिटा देंगे, यूरा जूता और यूरा हाथ बड़ा बढ़ाऊंगा, ध्यान रखे इस बात की, ठीक है ना? काहे का हिंदुत्व भैया, 10 साल से पहले तो हिंदुत्व हिंदुत्व चिल्ला रहे थे मोदी जी, कहाँ गए? मैं आपको बता दूं, अभी जो एनडीए की सरकार बनी है इसमें इतनी लड़ाई होगी ना, जब चंद्रबाबू नायडू अभी आरक्षण के लिए देखिए आपको शुरू हो गया, 10,000 रुपए महीना मिलेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये सरकार नहीं चलेगी। इतने दिन की मेहमान आपको लग रही है? ज्यादा ज्यादा ये देखिए, अभी तो शपथ ली है, ज्यादा ज्यादा बरसात तक रपट जाएगी सरकार, रपट के गिरेगी फलाक से मुंह टूटेगा इसका। पूरा कॉन्फिडेंस है क्योंकि साथ में एक्सीडेंट ट्रेन के
हाँ देख रहा हूँ, नीतीश कुमार है गाड़ी चलाने वाले, कंडक्टर तुम्हारे वो है क्या नाम है इसका, तो चंद्रबाबू नायडू, जब कंडक्टर और ड्राइवर दूसरे हैं तो फिर आप बाबू साहब कब तक बनोगे, हो सकता है। अक्सर ना कुत्तों को ना घी हजम होता नहीं, उनका बवाल कर दिया। ठीक है मेरे भाई, जनता को कुत्ता बोलनी है। अरे मेरे भाई, अयोध्या वालों को बोला, पूरी जनता को नहीं बोला, उसमें तो अयोध्या वालों ने जो धोखा करा ना उसमें बोल लेंगे, सीधी सी बात है। रुको जरा, ये जान लीजिए 2027 में अगर अयोध्या वालों को इसी तरह गाली देते रहे तो प्रभु श्री राम अपना श्राप देते हुए पूरे उत्तर प्रदेश से सफाया करने का काम करेंगे। योगी था, योगी है और योगी रहेगा, और जॉन सनू कह रहा ना हम योगी को मिटा देंगे, यूरा जूता और यूरा हाथ बड़ा बढ़ाऊंगा, ध्यान रखे इस बात की, ठीक है ना। और अभी तो रुको, बुलडोजर का तेल निकला, बाबा का तेल निकला। तो दोस्तों, इन अनभक्तों की बातों को दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि जब से इन लोगों की अयोध्या हार हुई है तब से इन लोगों की पूरी तरह जल गई, इसीलिए हर तरह की बातों को उलट पलट करके बोलते रहती है। तो फिर मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जो शेर था वो कुत्ता हो गया, जो शेर था वो कुत्ता हो गया। नरेंद्र मोदी चाणक्य, चाणक्य तो सातवीं आठवीं कुर्सी में ऐसे होते हैं। मुख्य कारण यही है कि अयोध्या से बीजेपी नहीं हारी है, बीजेपी अयोध्या वासी ही हार चुके हैं। अरे कहना क्या चाहते हो अयोध्या वासी से, कि तुम लल्लू सिंह को नहीं देते। क्या क्या बोला तूने? कि तुम लल्लू सिंह को नहीं देते मतदान। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अगर राम राम की मूर्ति को देख करके देते, मोदी जी के नाम पर देते, ये नहीं। तुम्हारी मानसिकता क्या खो गई थी, तुम्हारी बुद्धि खो गई थी। तुम्हारी अगर मानसिकता ठीक होती, तुम्हारी बुद्धि विचार ठीक होती, तो वही 2024 में 405 सीट मिलता बीजेपी को, 405 सीट मिलता बीजेपी को। अच्छा, हम भी अयोध्या वासी हैं, हम भी संत हैं, हमको बड़ी पीड़ा हो रही है, वही दुख हो रहा है। वो अदाकारी पे उतर गए भाई, इतनी तो विद्या बालन ने डटी पिक्चर में सारी नहीं बदली जितना इस चुनाव में मोदी जी ने अपने अपने आधा बदल लिए और अपने अपने बयान बदल लिए। अगर ईवीएम रहा बीमार तब आएगी 400 पार, अगर ईवीएम रहा वफादार तब बीजेपी हो जाएगी फरार। हाँ 300 का डीजल लेंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए, हम मोदी भक्त बनेंगे, हम मोदी भक्त 300 का किनेंगे, ठीक ना। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पिछवाड़ा फटा है, कच्चे में टाके लगे हैं, मोदी मोदी मोदी, घर में दूध नहीं है, बच्चा भूख से बैठा है, मोदी मोदी।